करीब 1.5 साल पहले चीन के वुहान शहर से कोरोना वायरस इन्फेक्शन के पहले मामले सामने आने लगे थे। अब दुनिया का हर कोना इसकी चपेट में आ चुका है और भारत इस वक्त इसके सबसे बड़े वार का सामना कर रहा है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर कोरोना कब खत्म होगा। कोई स्टडी कहती है कि अभी 2 साल और इस संकट का सामना करना पड़ सकता है, तो कोई कहता है कि ये कभी नहीं जाएगा और हमें इसके साथ ही रहना सीखना होगा। इस सब के बीच अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मैरिलैंड में इंफेक्शियस डिजीजेस के चीफ डॉक्टर फहीम यूनिस शुरुआत से लोगों को जागरूक करने की मुहिम में जुटे हैं और उनका कहना है कि कोविड से निजात पाने के लिए वैक्सीनेशन ही सबसे बड़ा हथियार है। कोविड पूरी तरह कब खत्म होगा, डॉक्टर फहीम ने इसके लिए कोई तारीख तो नहीं बताई है, लेकिन उनका कहना है कि कम से कम 40% से ज्यादा आबादी के वैक्सीनेट होने से कोरोना की घातक लहरों को खत्म जरूर किया जा सकता है। वहीं अगर 70% से ज्यादा आबादी को वैक्सीनेट किया जाए तो कोविड इतना भयावह नहीं रह जाएगा जितना अभी है। उन्होंने साफ किया है कि ये अंदाजा लगाते हुए उन्होंने सामने आ रहे अलग अलग वेरिएंट और कुछ एक्सेप्शंस को भी ध्यान में रखा है। डॉक्टर फहीम पहले भी उन दावों को खारिज कर चुके हैं कि वैक्सीनेशन की वजह से कोविड बेकाबू हो गया है। उन्होंने ट्विटर पर बताया था कि अमेरिका में वैक्सीनेशन के बाद 70,000 लोगों की मौत हुई है, जबकि वैक्सीनेशन से 3 महीने पहले 2.5 लाख के आसपास लोगों की मौत हुई थी। ऐसा ही दूसरे देशों में भी देखने को मिला है। डॉक्टर फहीम के मुताबिक वैक्सीन से कोरोना वायरस वेरिएंट पैदा नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और भारत के सभी बड़े वेरिएंट व्यापक वैक्सीनेशन के पहले देखने को मिले हैं, बाद में नहीं। वहीं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से बातचीत में अमेरिकन फिजियोलॉजिकल सोसाइटी के सदस्य डॉक्टर जोसेफ रोश ने पोलियो वायरस को खत्म करने की लड़ाई में वैक्सीनेशन की भूमिका को मौजूदा हालात के लिए मिसाल बताया है। उन्होंने बताया है कि वैक्सीनेशन न होने या थोड़ी आबादी के ही वैक्सीनेट होने से वायरस फैलने का खतरा बना रहता है। WHO के मुताबिक भी लगातार कई राउंड्स में व्यापक वैक्सीनेशन की मदद से पोलियो पर पूरी तरह जीत हासिल की जा सकती है। पोलियो के केस में दिलचस्प बात यह है कि वैक्सीनेट नहीं हुई आबादी में वायरस को रेप्लिकेट होने के लिए ज्यादा वक्त मिल जाता है, खासकर ऐसे इलाकों में जहां सैनिटेशन व्यवस्था ठीक ना हो। इसे ध्यान में रखते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करने के साथ साथ साफ सफाई रखने, मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग करने की अहमियत पता चलती है, जिससे वायरस के ट्रांसमिशन को रोका जा सके और उसे रेप्लिकेट होने या म्यूटेट होने का मौका ना मिले। नए वेरिएंट्स पर वैक्सीन्स का क्या असर है, इसे लेकर कई स्टडीज की जा रही हैं। कुछ वैक्सीन्स असरदार भी मिली हैं, जबकि दूसरों के निर्माता बूस्टर शॉट्स बनाने में लग चुके हैं। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि इन वेरिएंट्स का तोड़ भी जल्द ही निकाल लिया जाएगा।